आइए उच्च को ताल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटिंग बहुत अच्छी है लेकिन चश्मा उतर गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, चलिए जाग जाइए, आइए अपने पास वाले से कहिए कभी कभी हंस के लिया करो। उन्हें कहिए आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इससे पहले कि हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें, बिफोर आई स्टार्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, प्लीज आप में से कुछ लोगों के फोन ऑन हैं, आप उन्हें बंद करें, कोई भी रिकॉर्ड ना करें जो पीछे तक हैं। मीटिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, आपको बाद में मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, जितनी भी बहनें बच्चे लाई हैं, प्लीज बच्चों को छोड़ मत दीजिए, अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। ओके, प्लीज जब आपके बच्चे रोते रोते किसी और के पास जाते हैं, आप वचन सुनते हैं, दूसरे आपके बच्चे संभालते हैं, तो ऐसा ना करें। थैंक यू सो मच। मैं आज साउंड के आउटपुट ही बड़ा आउटपुट होना चाहिए। साउंड है ना भैया, किधर है? आउटपुट ही बड़ा साउंड नहीं है। पीछे जो पीछे तक आवाज आ रही है, वो लोग हाँ बोल रहे, तू ना बोल रहा है। ऐसा ना कर यार। ओके, कितने लोग को आवाज आ रही है मेरी? प्रभु जी इनके कानों को चंगा कर, यीशु मसीह के नाम। ओके, आइए, मैं चाहता हूँ पास्टर जी आइए। मैं कम से कम 20 बार उड़ीसा आ चुका हूं, संबलपुर, हीराकुंड, बड़गर और सिमलीगुड़ा, और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर परमेश्वर मुझे ले गए हैं मसीह की देह में। मैं टीचर हूं, एक शिक्षक हूं, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया शिक्षा देने का। शिक्षा देना आसान नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप शिक्षा देते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं पहले आप खुद करें, अदरवाइज बाइबल आपको फरीसी कहती है। सो इतना आसान नहीं होता ये काम, बट परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया। मैं पहली बार यहां पर नौरंगपुर आई, फर्स्ट टाइम आई केम टू नौरंगपुर, और मैं 3 दिन से यहाँ हूँ। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत आप में से सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इन दिनों में बहुत प्यार मिला, इज्जत मिली। थैंक यू। परमेश्वर मेरा गवाह है, अगर मुझे कभी परमेश्वर कहे ना बॉम्बे से शिफ्ट होके, अगर तुझे और कहीं रहना हो तो तू कौन सी प्लेस चुनेगा? आई चूज उड़ीसा। खुदा जानता है मेरा बहुत दिल लगता है आप उड़ीसा के लोगों से। कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जहां पर मैं जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे सच में उड़ीसा, वहां का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के पास्टर्स बहुत पसंद हैं, और मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ।
मैंने बहुत रिजेक्ट किए हैं कॉल पंजाब से, दिल्ली से, इवन मैंने आज से कुछ साल पहले जब मुझे यूएस से कॉल आया, अमेरिका से, ब्राजील से कॉल आया, मेरे पास डेट्स नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे फिलहाल वो तारीखें नहीं है आपके पास जो तारीख आप मांग रहे हो। लेकिन मैंने बहुत कम ओडिशा को ना कहा है, बिकॉज आई लव दिस प्लेस और मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप इस बात को याद रखिए, हमारे मुंबई में आपके उड़ीसा का दूसरा नाम है ग्रैंडस्टन की जमीन। हमारे मुंबई में मैं जब भी जाता हूं ना, तो लोग मुझे पूछते हैं कहां जा रहे हो इस बार, तो मैं उनको हमेशा कहता हूं ग्रैंडस्टन की जमीन पे जा रहा हूं। बिकॉज आप जानते हैं शहीद, हमारे जो खुदा के लोग हैं, संतों का खून बहा है इस जमीन पर। सो हमें, और मैं सारे पास्टर्स को भी बोलना चाहता हूं, मैं कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं, मैं वही प्रीच करता हूं जो आप करते हैं। मैं आपके कंधों पे खड़ा हूं। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत धन्यवादी हूं पास्टर साहब के लिए भी, एक बहुत इतनी बड़ी मीटिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज की है। आप शायद पीछे देखें तो आपको जहां तक आप देख सकते हो वहां लोग हैं। सो हजारों लोग यहाँ आए हैं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं ना सिटी प्रीचर हूं, आई एम अ प्रीचर ऑफ सिटी, मैं शहर का प्रचारक हूं। लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं, लेकिन मैंने देखा है विलेज पास्टर्स को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सपोर्ट दीज टाइप्स ऑफ पास्टर्स। हम ऐसे अगुओं का सहायता करें, मदद करें। इन मीटिंग्स में है ना बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये ग्राउंड भी आई थिंक फ्री में नहीं मिला होगा आपको? ग्राउंड फ्री है। वाओ, थैंक यू सो मच। साउंड में फ्री है? नहीं, लेकिन स्टेज पे पैसे लगे हो गया। मैं देख रहा था वो मॉर्निंग में मीटिंग ले रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, उसके बाद कैमरा, ये बहुत खर्चे होते हैं। अगर आप कुछ सहायता करना चाहते हैं मीटिंग के बाद, सर से मिलिए। मैं नहीं चाहता हूं कि इस मीटिंग को करने के बाद उन्हें एक रुपया भी अपने जेब से देना पड़े। हम सब मिलके भरें। तो सपोर्ट योर पास्टर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर साहब आप बैठ सकते हैं, शुक्रिया। और सेकेंडली मैं बहुत धन्यवाद करता हूं ब्रदर सोलोमन कुलदीप के लिए। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। हम काफी दिनों से टच में थे इस मीटिंग के लिए, और थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी पास्टर्स यहाँ आए हैं, जितने भी हमारे अगुए यहाँ आए हैं उड़ीसा के कोने कोने से, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली, कुद्दूस, बाबर और उसके फतेहमंद नाम में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतने दूर से ट्रेवल करके आए खुदा के कलाम के लिए, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिनों से आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी कोई कम बात नहीं है, है ना? थैंक यू सो मच। आइए, मैं चाहता हूँ आप लोग स्ट्रेट बैठिए, और मेरी आपसे विनती है, कि जब वचन चल रहा है तो वचन पे ही ध्यान दें। ओके, आप लोग तैयार हैं सब? यस। नहीं, आवाज बहुत कम है। यस। पीछे वाले सोए हैं क्या? कम ऑन, 1 2 3। थैंक यू सो मच। ओके, आज लास्ट डे है। मैं बिलीव करता हूं आज दिन आखिरी है पर एक शुरुआत नई है। आमेन। हम बिलीव करते हैं, भले ही आखिरी मीटिंग है, लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। Amen? आइए, मैं चाहता हूं वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप ध्यान दें।
मेरे हाथ में बाइबल है। इस बाइबल का 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम। सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर पाप के लिए एक कफारा रखा था। आपसे पाप होता है, एक बलिदान लो, उसे मारो, उसका खून प्रभु को दो, तब पाप माफ होते थे। अब कोई भी किताब पढ़ लो बाइबल की, पुराने नियम की, आपको बलिदान जरूर मिलेगा। आज जब हम बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, हम पढ़ते हैं मत्ती, लेकिन आप जानते हो अगर आप यहूदी परिवार में पैदा होते तो यहूदी सबसे पहले अपने बच्चों को मत्ती या उत्पत्ति नहीं पढ़वाते हैं। वो सबसे पहले जो किताब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं वो है लेवी व्यवस्था। क्योंकि लेवी व्यवस्था की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें बताया गया है बलिदान क्या होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है, कोई भी जूविश किताब आप पढ़ के देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। डे वन से वो अपने बच्चों को सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाते हैं। याकूब के बेटों में से एक नाम था लेवी, उनके नाम की ये किताब है लेवी, लेवियों की व्यवस्था। आप जानते हैं जब कोई भी इज़राइल के अंदर जब किसी से पाप हो जाता था, वो एक जानवर लेते थे, याजक को देते थे, याजक उसे काटता था, उसका खून खुदा को देता था, उसका जो अंदर का मटेरियल होता था वो थोड़ा खुद लेता था, और चमड़ी यरूशलेम के बाहर चला दी जाती थी। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, जितने भी बलिदान पुराने नियम में है सब मरे हुए हैं। आप कोई भी बलिदान ले लो, कभी भी कोई जिंदा बकरी या बकरा या कोई भी चीज, वो जिंदा कभी खुदा के सामने नहीं लेके जाते थे, उसे मारते थे और उसे ले जाते थे। पुराने नियम का हर बलिदान मरा हुआ है, लेकिन जब आप नए नियम को पढ़ेंगे और आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे तब पॉल वहां पर 12 अध्याय में लिखता है, अब अपने आप को जीवित बलिदान करो। अब आप में से हर एक को पता होना चाहिए, पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो मरा हुआ हो, पर नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो जीवित। आप जानते हैं आप खुद को जीवित कैसे चढ़ा सकते हैं? हमारी रोमियो की किताब 12 अध्याय में लिखा है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर को बापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब परमेश्वर किसी से भी मरे हुए बलिदान की उम्मीद नहीं करेगा, अब वो चाहता है हम अपने आप को जीवित चढ़ाएं। लेकिन एक सवाल है, मैं अपने आप को जीवित खुदा के सामने कैसे चढ़ा सकता हूं? मेरा सालों तक यह सवाल था। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अंकल आंटी जो भी बाइबल के स्कॉलर्स थे, मैंने उनसे पूछा, हाउ कैन आई सैक्रिफाइस माई सेल्फ, मैं अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकता हूं? लोग तरह तरह के उत्तर देते थे पर कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि अपने आप को जीवित कैसे चढ़ाया जाता है। बाइबल कहती है शैतान और यीशु का सामना हुआ, शैतान और प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना हुआ। शैतान ने यीशु को कहा पत्थर को रोटी बना। आप जानते हैं अगर आप सिगरेट पीते थे और आप प्रभु में आए तो आपका सिगरेट बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रभु से पीछे चले जाओगे ना, वापस सिगरेट पीने का मन करेगा। अगर आप पहले बहुत गंदे गंदे वीडियोस देखते थे और जैसे ही आप प्रभु में आए तो आपकी वीडियोस देखना बंद हो जाएंगे,
लेकिन जब आप पीछे हो जाएंगे ना, वो पुरानी आदतें वापस आएंगी। शैतान आपकी सारी स्टडी अपने पास रखता है कि जब ये प्रभु में नहीं था किन बातों में कमजोर था, वो आपकी सारी कमजोरियों को जानता है। लेकिन शैतान के पास यीशु की कोई कमजोरी ही नहीं थी, उसने एक चीज देखी, ये सृष्टि का कर्ता है, ये सारी चीजें इसने बनाई है, इसीलिए वो उसको उस बात में टेम्प्ट कर रहा था, पत्थर को रोटी बना। एंड यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने यीशु को कहा, वो जानता था वो सृष्टि करता है, वो कर सकता है। हमारी बाइबल कहती है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। यू नो द बाइबल सेज, शैतान ने यीशु को कहा पत्थर को रोटी बना। आपको पता है अगर यीशु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी बनाता, शैतान को पत्थर बना देता। अगर वो चाहता ना तो सारी दुनिया को रोटी बना देता और शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन जानते हो यीशु ने वहां पर क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के मुंह से निकले गए कलाम को सुनने के कारण जीवित रहेगा। देख लेते रोमियो की किताब में पॉल कहता है अपने आप को जीवित चढ़ाओ, और यीशु नए नियम में कहता है मनुष्य उसको सुनने के कारण जीवित रहेंगे। आप चाहते हैं जिंदा खुदा के सामने जाना, लर्न टू हियर द लॉर्ड, परमेश्वर को सुनना सीखिए। खुदा को सुनना सीखिए। आप जानते हो अब खुदा को कैसे सुन सकते हो? जानना चाहते? Yes. सबसे पहले अपने पास्टर को सुनना सीखो। जो पास्टर को नहीं सुनता ना, वो खुदा को भी नहीं सुन सकता। ट्रस्ट मी, एक दिन बालक सैमुएल सोया था, वहां से आवाज आई, सैमुएल, सैमुएल। जानते हो सैमुएल ने क्या किया? एली के पास गया। एली उन दिनों का याजक था। सोचो ये स्पीकर एली है और मैं सैमुएल हूं, मुझे आवाज आ रही है, सैमुएल, हे सैमुएल। मैं एली के पास जाता हूं, अंकल आपने बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया, सो जाइए। ओके सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया आपको, जाओ सो जाओ। ओके खुदा जगाता है, पास्टर सुला रहा है। यू नो सॉरी 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 सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल हाँ। अब सैमुएल, अब एली को पता चला कुछ हो रहा है। नाउ ही सेड, एक काम करो, अगर इसके बाद भी आवाज आती है ना बोलने का, क्या आ गया? मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, परमेश्वर बात कर रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एली की आवाज थी। परमेश्वर, परमेश्वर जब सैमुएल से बात कर रहा है, ही यूज द वॉइस ऑफ एली। वो एली की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर अपने भवन में, अपने कलीसिया के अंदर आपसे बात करता है ना, वो आपके पास्टर की आवाज का इस्तेमाल करता है। जो लोग पास्टर को नहीं सुनते हैं, हाउ कैन दे लिसन जीसस? पास्टर बोलता है जल्दी आओ मीटिंग में, नहीं आते। पास्टर बोलता है कलीसिया के अंदर मेकअप मत करके आओ, तो भी नहीं सुनती है वो।
पास्टर कई बार कहता है कलीसिया के अंदर भाई बहनों के बीच में पवित्रता बनी रहे, इसीलिए कुछ काम मत करो, फिर भी नहीं सुनते। कई बार पास्टर कहता है कि भाई ये करो वो करो, आप पास्टर की नहीं सुनते हैं, खुदा को कैसे सुनेंगे। इसीलिए आज की कलीसिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो खुदा की नजर में जिंदा है। प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु कहता है, दिखने में तू जीवित है पर है तू मरा, तू घूम रहा है, तू फिर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, सबकी नजर में तू एक्टिव है, बट इन माय आईज यू आर डेड। लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को सुनने से पहले ऑनर योर पास्टर, अपने पास्टर का आदर करना सीखिए। कई लोग पास्टरों की बुराई करते हैं, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है। जितने भी लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, हम सारे पास्टर मिलके आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुमको भी पास्टर बनाए। जिस दिन आप पास्टर बनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बोलना कितना आसान है। जितने भी लोग बकबक करते हैं ना, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आ जाओ यहां पर डेढ़ घंटा प्रचार करके दिखाओ, आ जाओ। बोलना तो बड़ा आसान है, बहुत सारी बहनों के मुंह है ना बहुत बड़े हैं, हमारा पास्टर अच्छा नहीं है। क्या किया तुम्हारे पास्टर ने? कुछ बहनें पास्टर की बुराई करेंगी, उसकी पत्नी की बुराई करेंगी, उसके बच्चों की बुराई करेंगी। हम तो हर तरफ से लटके हुए हैं। अगर हम गंदे कपड़े पहने तो हम लोग के लिए लोग कहते प्रभु ने पता नहीं इनको आशीष क्यों नहीं दी है, और अगर अच्छे पहने तो हम वो लोग कहते हमारी ऑफरिंग ले लेके अमीर बन गया है। मुझे बताइए पास्टर करें तो क्या करें। जिस दिन आप पास्टर बनेंगे ना, उस दिन पता है आप क्या कहेंगे, धन्यवाद तवे पे बिठाने के लिए। पास्टर मिनिस्ट्री, बिलीव मी और नॉट, आप मानो या न मानो, इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा डिफिकल्ट पास्टर का, शायद आप माने या न माने। प्राइम मिनिस्टर भी कई बार अंदर ऑफिस में बैठ के अपनी चीजें बताता रहता है, हमें तो कभी कभी अपने दुश्मनों के साथ ही रहना पड़ता है। आपको पता भी है आपकी कलीसिया के अंदर कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको उठा के चलते हैं। यू नो, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो कई बार दुश्मनों के साथ भी रहता है, वो पास्टर्स है। इसीलिए कभी भी आप संडे को चर्च जाते हो ना, ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, लव योर पास्टर। जब मीटिंग पूरी हो जाती है ना, खड़े हो जाओ, उनसे पूछो पास्टर मेरे लिए कुछ काम है, कारपेट उठाऊं, कुर्सियां उठाऊं, कुछ सफाई करनी है, मुझे बताइए। इससे पहले कि परमेश्वर आपको अपना दास बनाए, उससे पहले परमेश्वर आपको किसी व्यक्ति का दास बनाएगा। बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर का सेवक था और यहोशू मूसा का सेवक था। अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा है ना जब पास्टर्स की बुराई करता है, बिलीव मी आप आगे नहीं जा सकते, यू विल नेवर ग्रो। दिस इज नॉट माय प्रोफेसी ब्रदर, दिस इज फैक्ट। ये मैं कोई गलत बात या गंदी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं ब्रदर, ये फैक्ट है। परमेश्वर को सुनने से पहले बाइबल बताती है आपको अपने पास्टर को सुनना चाहिए, और एक दिन अगर आपने पर उनकी सुन ली ना, आने वाले दिनों में परमेश्वर को भी सुन पाओगे। मुझे कितना समय लगा, आफ्टर 14-13 इयर्स के बाद आई अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। 13-14 साल लग गए इस बातों को समझने में, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि यार खुदा है। इतना आसान नहीं था,
कई बार मेरे पास्टर मुझको ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, मेरे को समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं अपनी आंखें बंद करके करता था। मुझे लगता था नहीं, वो ज्यादा मैच्योर हैं, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। आज मैं बिलीव करता हूं, जिसे बाइबल में लिखा है कि हम केवल खाना खाने से नहीं, हम खुदा के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश में प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप सब तैयार हैं? आइए, मेरा संदेश आज छोटा है। ओके, इट्स ऑलरेडी लेट, हम काफी लेट चल रहे हैं आज, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का आज मैसेज शेयर करूंगा। इट्स अ शॉर्ट मैसेज। आज मॉर्निंग में कितने लोग थे? प्रेज द लॉर्ड। आज मॉर्निंग में आपको मजा आया? Yes. है ना, आज मैंने 2.25 घंटे प्रेज किया था मॉर्निंग में। आपने सुना होगा ना, आज मैंने एलिशा की हड्डियों के बारे में बात की। Yes. है ना, जो जिंदा हुआ वो तेज भागा। So, आज मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब खोलिए सब लोग। तीन अध्याय, चैप्टर 3। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 और 2 वचन, 3 अध्याय। तब परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना? पीछे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, है ना। आइए आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुने, बाइबल कहती है इस सारी दुनिया को, चाहे वो आसमान है, चाहे वो जमीन है, चाहे समुद्र है, बाइबल बताती है ये तीनों चीजें परमेश्वर ने बनाई। पॉल कुलिसियों की किताब में लिखता है, चाहे देखी चाहे अनदेखी, सारी सृष्टि की रचना मसीह में हुई है। आप जो कुछ भी देखते हैं, पॉल कहता है एक दिन आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे हैं सब यीशु के नाम पे घुटने टेकेंगे और हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं बाइबल बताती है परमेश्वर ने ही आसमान जमीन और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसने बनाया है, और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप पहले बंदर नहीं थे। अगर आपने ये सुना है कि हम पहले बंदर थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप मंकी नहीं थे। बोलो बाजू वाले को, आप बिल्कुल बंदर नहीं थे। एक बच्चा स्कूल से आया, उसने अपनी मां को बोला, मम्मी आज टीचर ने सिखाया हम बंदर थे। उसकी मां बाइबल की जानकार थी। उसकी मम्मी ने कहा, नो बेबी, हम लोग बंदर नहीं थे, हमारी बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें मनुष्य बनाया है। स्कूल गया था और आज लेसन था, हम पहले बंदर थे। अच्छा, मां बोलती है हम नहीं थे, आप क्या बोलते हो? पता है डैडी ने क्या बोला? हां बेटा हम बंदर थे। बच्चा और कंफ्यूज हो गया यार, टीचर बोलती है बंदर थे, मां बोलती है नहीं थे, बाप बोलता है बंदर थे। फिर वापस अपनी मां के पास जाता है, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, पापा तो बोलते हैं हम बंदर थे। उसकी मां ने कहा, बेटा सुन,
उसने तुझे अपनी कहानी बताई, मैंने तुझे अपनी कहानी बताई है। वो सच में बंदर ही था, मैं इंसान था। आप बंदर नहीं थे जी, उत्पत्ति में लिखा गया है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। God created a man in his image and in his likeness। मेरी उर्दू में लिखा गया है खुदावन ने एक इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया है। Amen। Hallelujah। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया सृष्टि बनाने के बाद, तो परमेश्वर ने ना उसके लिए एक ब्यूटीफुल घर बनाया जिसका नाम था अदन की वाटिका। इन हिंदी अदन की वाटिका, इन इंग्लिश द गार्डन ऑफ ईडन, और मेरी उर्दू कहती है भागे अदन। और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसे वहां रख दिया और एक आज्ञा दी कि जितने भी फल तुम देख रहे हो तुम सब खा सकते हो, लेकिन एक फल ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूं कि उसको खाना मत, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे ना तुम उस दिन मर जाओगे। इट वॉज अ वेरी सिंपल कमांड ऑफ द लॉर्ड, बहुत ही साधारण वचन था कि इससे दूर रहो। बाइबल कहती है ये बातें शैतान ने भी सुनी थी, और जैसे ही परमेश्वर लेफ्ट हुआ शैतान आया और शैतान ने बात की ईव मैडम से, हाँ हवा बहन से बात की। हवा बहन वहां खड़ी थी और शैतान सांप के रूप में आया। आपको पता है शैतान ने हवा को गिराने के लिए सांप का उपयोग क्यों किया, शेर का क्यों नहीं, भालू का क्यों नहीं, हाथी का क्यों नहीं, सांप का ही क्यों? क्योंकि सांप है ना बहुत चतुर है, कई चतुर जो से बोलो चतुर। अभी अपने बाजू वाले को बोलो, बोलो ज्यादा चतुर न बनो, कहीं शैतान के हाथों में ना आ जाओ। मैंने देखा है जो लोग बचपन से बहुत चतुर होते हैं ना शैतान उनको ही यूज करता है। चतुर चतुर सगेरा है, वो भी चतुर ये भी चतुर। चतुर का मतलब समझते हैं आप लोग, चतुर का मतलब होता है एक्टर, सारी दुनिया की कांड करके बैठा हुआ है लेकिन कलीसिया में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पास्टर को इतना बेवकूफ बनाते हैं कुछ लोग, रविवार रविवार पास्टर जी काम नहीं है, एक ही काम है। पता है एक बार क्या हुआ ब्रदर, एक वो चेयर देंगे क्या रेड वाला? हाँ दीजिए दीजिए, जल्दी इधर से दे दीजिए, ऊपर मत आइए जमाना लग जाएगा। आइए, हमारे चर्च में मैं जैसे ही जाता था ना तो एक भाई क्या करते थे, जैसे ही मैं आता था ना वो कुर्सी उठाते थे ऐसे, मैं ये सब देख के हंसता था। एक संडे में आया फिर से मैंने उसको ऐसे ही देखा, एक भाई मेरे पास आया मुझे आके बोलता है ब्रदर कितना मेहनती है। मैंने कहा मेहनती नहीं है एक्टर है, मैं जैसे आता हूं मेरे सामने काम करता है, उसके बाद जैसे मैं जाऊंगा उसी कुर्सी में बैठ के चले चल चाय लेके चल जा इधर चाय लेके जा। आपने देखा है ना जब बॉस नहीं होता है तो हम लोग कैसे होते, लेकिन जैसे बॉस आया पहले हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ सही बात है, मैं 2 महीने काम करेगा उसके बाद मैं थोड़ा बर्दाश्त करने वाला है, मेरा खुद का कंपनी है, ये है वो है, लेकिन जैसे बॉस आएगा हेलो, इसे कहते हैं चतुर लोग। बोलो बाजू देखो चतुर न बनना।
यहूदा स्क्रोती इतना चतुर था, मैं आपको क्या बताऊं, यीशु मसीह मरने से एक रात पहले एक रोटी लेता है, दाखरस में डुबोता है और कहता है जिसको मैं दे रहा हूं वही मुझे पकड़वाएगा, उनके सामने दे रहा है तो भी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। आप सोचो 3.5 साल कोई थैली में से पैसे निकाल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, कितना सयाना है ना। हाउ क्लेवर इज ही। सम पीपल एक्चुअली आर नॉट स्पिरिचुअल, दे आर क्लेवर। कुछ बस रहने दो, तो बैठ जाऊंगा मैं बाद में। कुछ लोग है ना आत्मिक नहीं है, सयाने हैं। दे आर वेरी क्लेवर पीपल। परमेश्वर को क्लेवर लोग नहीं चाहिए, प्रभु को सीधे लोग चाहिए। चाहे कहिए सीधे, हाँ सीधे, बोलो बाजू वाले को सीधा बन। अय्यूब के लिए लिखा गया है वो सीधा था, वो खरा था, वो बुराई से दूर रहता था, सीधा था। भजन संहिता में लिखा है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। सीधे बनिए। अगर आपको कोई कहता है ना आपने गलत किया, आपने गलती की है ना, मान लो नहीं ब्रदर मैंने किया लेकिन इसने करवाया, नहीं नहीं मैंने किया ब्रदर लेकिन वो भाई ने करवाया। कई भाई लोग जब व्यभिचार में गिरते तो बोलते हैं बहनों ने गंदे कपड़े पहने, मैं क्या कर सकता हूं। अरे तो अपनी आंखों को पकड़ना। मुझे गुस्सा आता नहीं है, ये लोग दिलाते हैं। बंद करो ये सब, सीधे बनो। सीधे मन वालों के लिए प्रभु भला है, वो माफ करता है उन्हें, वो उठाता है उन्हें। जब परमेश्वर ने आदम को कहा भाई तू सब खा लेना, एक को छोड़ दे भाई, शैतान वहां पर आया, हवा वहां खड़ी थी और पर उसके पास आके कहता है हवा क्या सच है कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ खाने के लिए बना किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा है हम सब खा सकते हैं लेकिन ये एक पेड़ ऐसा है जिसको प्रभु ने खाने के लिए मना किया है और कहा है छूना भी मत। आपको पता है प्रभु ने छूने के लिए कुछ नहीं कहा था। बाइबल की पहली किताब ही बताती है बहनें बातों को बढ़ाती है। सॉरी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छी, मैं आपके लिए क्यों बात करूंगा बताइए, मैं आपसे मेरा कुछ है आपसे वास्ता, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। आप तो बहुत प्यारी हैं, आप तो घर बनाए हैं कभी तोड़े नहीं है। हाँ ठीक है। बाइबल कहती है हवा ने कहा नहीं हम खा सकते हैं एक को छोड़ के, वहीं पर शैतान ने पहला झूठ कहा ऐसा कुछ नहीं है आप खा सकते हो। और जैसे ही हवा ने फल खाया आदम को भी खिलाया, बाइबल कहती है वे नंगे हो गए। अब उन्हें अपना नंगापन भी दिखने लगा जबकि नंगे पहले भी थे। और जैसे वो लोग नंगे हो गए वो कहीं पर जाके छुप गए और परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आके देखा कि पूरी अदन की वाटिका सुनसान है, कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ने पहली बार ऐसे ऐसे पुकारा आदम आदम। आपको पता है प्रभु ने 2 बार पुकारा क्योंकि कोई नहीं दिख रहा था। आदम ने अंदर से कहा लॉर्ड मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। पाप का एक स्वभाव है वो आपको डरा के रखेगा, जो गलत करते हैं ना वो हमेशा डरते रहते हैं। आप जानते हो द बाइबल सेज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेड, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने कहा किसने कहा कि तू नंगा है तुझे डर लग रहा है, क्या वो फल खाने के लिए जो मैंने मना किया था क्या वो तूने खाया? पता है आदम ने क्या कहा, इस औरत ने मुझे खिलाया, शी इज द वन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर,
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी कहानी को छोटा कर रहा हूं, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें निकाल लिया। मैं एक सवाल आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आप जानते हो आदम फल खाने के 930 साल के बाद मरा। फिर खुदा ने क्यों कहा था, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मरोगे? किस चीज में वो मर गए? मैंने किसी से पूछा था, किसी ने कहा आत्मा में मर गया। सर, आत्मा कभी नहीं मरती। ये बंद करिए बोलना। कौन सी चीज को मरना कहा है? यहां देखिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है, इस अलग होने को परमेश्वर मौत कहता है। दैट इज अ डेथ। आपकी नजर में मौत है एक व्यक्ति के प्राण निकलना और गिर जाना। खुदा की नजर में पता है क्या है? मरना। एक व्यक्ति परमेश्वर से जब अलग हो जाता है तब वो मर जाता है। जितने भी दुनिया में आप लोग देख रहे हो जो खुदा से अलग होके हैं, आप देखो परमेश्वर उन्हें मरा हुआ कहता है। एक बार एक आदमी ने प्रभु को आके प्रभु ने एक आदमी से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं अपने पहले बाप को गाड़ के फिर आऊंगा। यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। परमेश्वर उन लोगों को जो उससे अलग हैं उनको मरा हुआ देखता है। इसीलिए यीशु ने सेवकाई करते समय कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ। आप जानते हैं, लिसन टू मी, अब इंसान खुदा से अलग हो गया, इंसान मर गया। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मुझसे अलग हो गया है, अब वो मुझसे मर गया है, जानते हो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उससे बात करना स्टार्ट की। कई लोग आए जिनमें से एक यशाया था, उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। मलाकी कहता है इज़राइल पर एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से इज़राइल चंगी हो जाएगी। एक जगह पे लिखा गया है परमेश्वर अपनी सरकार उसके कंधों पे रखेगा। एक जगह पे लिखा गया है जब वो आएगा तो वो धनवान के भागी होगा। आप में से अगर कोई नहीं जानता है तो एटलीस्ट आप आज जान लीजिए, यीशु एक गरीब परिवार में पैदा हुए लेकिन उसे गाढ़ा धनवान होने, क्योंकि बाइबल कहती है। आखिर एक दिन आया जब सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर बोल चुके, द बाइबल बताती है एक दिन आया एक फरिश्ता इज़राइल में गया, नासरत में रहने वाली एक कुंवारी के पास जिसका नाम मरियम था, और परमेश्वर का स्वर्गदूत वो फरिश्ता आके मरियम को कहता है, हे मरियम डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना, यही सुनते ना आजकल आप? आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, यीशु में आओ ये मिल जाएगा, यीशु में आओ वो मिल जाएगा। आजकल की भीड़ तीन चीजों के पीछे क्रेजी हो गई है, भविष्यवाणी, चमत्कार और अपना हाथ में सर पे रख दो। जॉन वेस्ली एक बात कहते थे प्रचार करने के बाद, जब लोग आते थे ना उनसे, सिर्फ वो लोग जो वचन नहीं सुनते थे, सिर्फ चमत्कारों के लिए आते थे, पता है जॉन वेस्ली उनको क्या बोलते थे? जॉन वेस्ली ऐसे लोगों को कहते थे, मैं खाना बांट रहा था, तुम चूरन खाने आए हो। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। अरे ये चूरन के लिए आते, खाली चमत्कार चमत्कार चमत्कार। पास्टर जी हाथ रख दो, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, मैं लोगों के ऊपर हाथ रख के दुआ करता हूं, मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले खुदा का कलाम चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए। अरे कई सारे लोग चूरन के पीछे जा रहे हैं। चूरन खाया है कभी बचपन में?
मम्मी याद है यहाँ लगाती थी, करते थे नहीं करते थे बचपन में? जब भी दांत नहीं थे तो क्या खाते थे? आपकी मम्मी आपकी जुबान पे कुछ रख देती थी और आप चाटते रहते थे, उसे कहते हैं चूरन। अरे चूरन के पीछे भाग रहे हैं आप लोग, ये मैंने नहीं कहा था, ये प्रभु ने कहा है। पढ़ के देखिए खुदा के पाक कलाम में, एक औरत यीशु के पीछे आ रही थी चिल्लाती हुई, और यीशु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उस लेडी ने क्या कहा? प्रभु सच है, हम चूरन ही खा लेंगे, जो नीचे गिरेगा ना वही खा लेंगे। बाइबल कहती है चमत्कार चूरन में आया। अरे चूरन खा रहे हो, जीवन की रोटी खाओ, खुदा का कलाम खाओ। आजकल की जनरेशन को मेहनत नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, घुटनों पे नहीं बैठना है, उपवास नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक ही काम करना है। पास्टर नीचे उतरे, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी पांव रख दो, भाई लोग कहते पास्टर जी पूरे ऊपर आ जाओ। अरे उठो, घुटनों पर आओ, मैं हाथ रखूंगा 20% मिलेगा, घुटनों पर रहोगे ना 100% मिलेगा। मेहनत करो। पहली स्टेटमेंट है पतरस की जब वो यीशु से मिला, मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। कोई बाइबल का ज्ञान नहीं था उस बंदे के पास, मेहनत दिखा, वॉज अ हार्ड वर्कर। मुझे एक जगह दिखा दो कि कोई बंदा अपने घर पे बैठा था इस तरह से, और यीशु मसीह उसके पास आया और कहा मेरे पीछे हो ले। क्या आपके पीछे मुझे, आप चलो मैं आपको पास। He never called lazy people. उसे कभी सुस्त लोगों को नहीं बुलाया। मती काम कर रहा था, पतरस काम कर रहा था, मूसा काम कर रहा था, एलिशा काम कर रहा था, वो मेहनती लोगों को बुलाता है। He called the hard workers. मेहनती बनो। पता है आज लोग सुस्त क्यों हो गए हैं? ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करो, बोलो क्योंकि हम लोग रोज चावल का पहाड़ बना के खाते हैं। इतना खाते हैं कुछ लोग, आप लोग इतना खाते हो, खा खा के जब तक इधर का बटन नहीं खुल जाता है तब तक खाते रहते हो। ये 5 रोटी 6 रोटी उसके बाद चावल फिर मीठा, ऐसे करके उठते हैं। कम खाओ भाई। हमारे बुजुर्गों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज उन्होंने गलत सिखाई है हमें, अधिक खाओ अच्छे रहोगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कम खाओ अच्छे रहोगे। सारा दिन खाते रहते। और बहनों आप ऐसे ना देखो, आपको भी मैंने देख लिया है। मैं सुबह जब गाड़ी से जा रहा था ना, ऐसी प्लेटें भर भर के चावल के पहाड़ बना बना के ऊपर से डाल के, एक हाथ में ग्लास एक हाथ में ऐसे, आपका छोटा वाला बच्चा जो खाना खा भी नहीं सकता इतना, वो भी भर भर के, मम्मी देख मैंने ले लिया है। कम खाओ। मेरे पीछे कहिए, हमें पेट नहीं भरना, हमें भूख मिटानी है। पेट भरने का मतलब अलग होता है, भूख मिटाना अलग होता है। मैं उतना खाता हूं जिसमें मेरी भूख मुझे इरिटेट करना बंद कर दे। लेकिन फोन बंद करवाइए उनसे, फोन बंद रखिए मीटिंग में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? Today's generation is very lazy generation. आपको पता है पौलुस 20,000 किलोमीटर पैदल चला था। 20,000 किलोमीटर a man who walked with God. 20,000 किलोमीटर बंदा पैदल चला है।
साधु सुंदर सिंह हिमालय पर्वत पे पैदल जाते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जाइए उनकी बायोग्राफी पढ़िए। लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर रामपुर एक गांव है, वहां पर साधु सुंदर सिंह जी का घर है। मैं वहां पर विजिट करके आया दूर से। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब फरिश्ता नीचे उतरा तब उसने क्या कहा, हे मरियम तू डर मत, तू भयभीत ना हो, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उद्धार करेगा। दैट इज द गॉस्पल। आजकल गॉस्पल में पता नहीं क्या क्या डाल दिया है, वीजा डाल दिया है, कार डाल दी है, बंगले डाल दिए, पता नहीं क्या क्या डाल दिया गया है। अरे आप आराम से पढ़ो रोमियो की किताब में क्या लिखा है। पहले इंग्लिश में बताता हूं, बाद में हिंदी में। इंग्लिश में लिखा गया है, पॉल कहता है, दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। ये सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। दिस गॉस्पल इज अ गॉस्पल ऑफ हिज सन। ये सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार है। हम लोगों ने भीड़ इकट्ठी करने के लिए चीजें डाल दी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और सारे लालची कलीसिया में। ब्रदर मैं खिलाफ नहीं हूं, मुझे पता है परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आने का सिर्फ कारण आपको अमीर या हेल्दी या आपको रिच या फेमस बनाना नहीं था। उसके आने का कारण था हम अपने पापों से उधार पाए, हम नजात पाए। और जो कोई ऐसा प्रचार करता है लोग उसे गलत बोलते, नहीं 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 नैरो माइंडेड है ये, इसको आता थोड़ी है कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपके डिप्लोमेटिक माइंड के साथ अपन फिक्स नहीं हो रहे। बाइबल बताती है जैसे ही ये हुआ मरियम प्रेग्नेंट हो गई और उसने यीशु को जन्म दिया। और जैसे यीशु मसीह बड़े हुए 30 साल के हुए, बाइबल बताती है वो यर्दन नदी पे आए। मैं 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। बाइबल बताती है वो यर्दन नदी पे आए और उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई चालू की। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, और बाइबल बताती है उसने मुर्दों को जिंदा किया। और एक रात जब उसे पता चला कि अब उसकी सेवकाई खत्म होने वाली है, और उसे उस वजह से जो वजह से वो भेजा गया है वो वजह उसे पूरी करनी है, उसने एक रात पहले अपने बाहरी कपड़े उतारे, उसने अपने चेलों के पांव धोए, पांव धोने के बाद उसने अपने कपड़े वापस पहने, वो एक जगह पे गया जिसने वहां पर सारी रात प्रार्थना की। उसके बाद वो गस्मनी में आया, उसने वहां पर पूरी रात प्रार्थना की, वहां पर बैठ के दुआ करी, और उसी रात वो अरेस्ट हुआ। अगर आप बाइबल के एक जानकार व्यक्ति हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सेवकाई के अंदर कभी भी यीशु यरूशलेम में जाकर वहां पर रहा नहीं, हमेशा विजिट करके चला आया। पर आपको पता है जिस रात यीशु मसीह यरूशलेम में ठहरा उसी रात को पकड़वाया गया। और जब उन्होंने उसको पकड़ा, बाइबल बताती है उन्होंने उसे दाढ़ी से खींचा, उन्होंने उसे मारा, उन्होंने उसे पीटा, उन्होंने उसके सर पे सरकंडा मारा, उसके बदन से खून बहता गया। आप जानते हो उन्होंने उसे इतना मारा कि वो एक सलीब नहीं उठा पा रहा था। जब उन्होंने देखा कि लकड़ी नहीं उठा पा रहा है ये बंदा, ये कब ऊपर पहुंचेगा, तब उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा कि तू इसकी मदद कर, जिसे कहा गया बेकार, तू उसकी मदद कर। और बाइबल बताती है एक लकड़ी दो लोग उठा रहे थे, और आपको पता है जैसे ही यीशु मसीह मार खा रहे थे और फाइनली वो उस पहाड़ पे पहुंचे जहां पर उनके हाथ कीलों में ठोक दिए गए, उनके पांव कीलों में ठोक दिए गए, और कलाम कहता है उनके सर पे ताज डाला गया कांटों का, और ये सब होने के बाद भी वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, ए बाप तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। वो उसे मारते गए मारते गए मारते गए, और आपको पता है जैसे ही फाइनली जब वो क्रूस पे लटका हुआ था उसने पिता से कहा, पूरा फिनिश।
मैंने अपनी बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु ने एक्चुअली ये कहा, पिता उद्धार का काम पूरा। आप जानते हैं, when he shed his blood, उसे अपना पूरा खून बहा दिया, और जैसे ही उन्होंने उसे वहां से नीचे उतारा, उन्होंने उसे कब्र में रखा, और तीसरे दिन जब बहनों को लगा कि उसके बदन में से बदबू आती होगी, उन बहनों ने अपने हाथ में इत्र, सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम सब तैयार की, और जैसे वो कब्र के पास जग गई, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था, और जैसे उन्होंने अंदर देखा वहां कोई नहीं था, स्वर्गदूत ने कहा, क्या देख रही हो, जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। ओडिशा में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, he arose from the dead, और जिंदा होने के बाद बाइबल कहती है पर्दा फट गया, सॉरी जैसे वो मरा पर्दा फट गया, उसके बाद वो जिंदा हुआ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए, मैं आपके मात्र 5 मिनट लूंगा। डू यू नो, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए और अपने चेलों से मिले, उसके चेले विश्वास नहीं कर रहे थे, यीशु ने कहा आओ देखो, मेरे पास मांस भी है हड्डी भी, मैं भूत नहीं हूं, मुझे छू के देखो। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, आप कह रहे हो आपके पास मांस भी है आपके पास हड्डी भी है, लेकिन इंसान तो 3 चीजों से बना हुआ है, मांस हड्डी लहू। यीशु ने यह क्यों नहीं कहा, देखो टच करो, मांस भी है हड्डी भी है लहू भी है। पता है यीशु ने लहू का जिक्र नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जानता था खून बहा दिया गया। आपको पता है वो खून क्यों बहाया गया? आदम जिस समय पाप करके, खुदा का पाप कलाम कहता है आदम ने पाप किया, और पाप हो जाने के बाद खुदा का कलाम कहता है वो मर गया, परमेश्वर से अलग हो गया। अब हमारा परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं था, क्योंकि मनुष्य पापी बन गया और परमेश्वर पवित्र है। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, जिस समय यीशु ने अपना खून बहाया, वो जानते हैं खून क्यों बहाया गया? ताकि एक दिन जब आप और मैं यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, और जिस दिन हम उस पर ये विश्वास करेंगे कि मैं एक पापी हूं, मैंने भी आदम की तरह पाप किया और मैं खुदा से दूर हो गया, परंतु यीशु मसीह मेरी जगह पे बलिदान हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी समय उसका वो खून आपके अपराधों को क्षमा कर देता है, वो आपके गुनाहों को माफ कर देता है। और आप सुनिए, उस खून से माफी पाने के बाद आप एक बार फिर से परमेश्वर से मिल सकते हैं। यहां देखिए, आपको पता है यीशु सिर्फ उस चीज के लिए आया था कि कैसे इंसान अलग हो गया था, अब उसके लहू से माफी पाकर वो फिर से उससे जुड़ जाएगा। अब एक आखिरी बात आपको बता के मैं आपको आज मौका दूंगा कि अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी फिर से खुदा को दे सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, दिस इज द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू प्रीच, सुनिए। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो किस तरह बनाया था? जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है ठीक से, जब प्रभु को पेड़ बनाना था तो पता है प्रभु ने क्या किया था? जमीन से बांधा, हे जमीन तुझ में से सारे पेड़ पौधे उगे। जब परमेश्वर को मछलियां बनानी थी तो आपको पता है प्रभु ने किससे बात की? पानी से, हे पानी तुझ में से सारे जीव जंतु उठे। जब परमेश्वर को मछलियां बनानी थी तो वो पानी से बात कर रहा है, जब परमेश्वर को
पेड़ बनाना था तो वह जमीन से बात कर रहा है, पर क्या आपने इस बात को देखा, जब परमेश्वर को मनुष्य बनाना था तो उसे खुद से बात की थी। आओ हम मनुष्य बनाएं, आओ हम मनुष्य बनाएं। आप जानते हैं, एक मछली को आप पानी से निकालो, खत्म। एक पेड़ को आप जमीन से अलग करो, खत्म। आप उससे अलग हो गए। जब आदम ने पाप किया था तो पता है वो क्यों मर गया? क्योंकि वो खुदा से अलग हो गया। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं और यीशु मेरे लिए मरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका लहू आपको क्षमा करता है और आपको वापस पिता में डाल देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर में से निकले हैं। यीशु आपको परमेश्वर में डालने आया है। इसीलिए उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो, मैं पेड़ हूं, अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल लाओगे। यीशु मसीह सिर्फ आपके काम करने के लिए नहीं आया था, नो डाउट वो आपके काम करता है, लेकिन उसकी पहली सेवकाई थी एक इंसान को, जहां से वो निकला है ना, उसे उसके में वापस डाल देना। आप परमेश्वर में से निकले हैं। इसलिए यीशु मसीह, क्या आपने देखा, जब गुमराह पुत्र चला गया अपने घर से अपने बाप के सारे पैसे लेके, और जब वो वापस आया तो उसके बड़े बेटे ने नाराजगी में कहा, पप्पा मैं इतने साल से आपके साथ हूं, मेरी आपने कभी कुछ मदद नहीं की, मुझे आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये आपका लड़का सब कुछ गंदे कामों में उड़ा के आया और इसका स्वागत हो रहा है। बाप ने क्या कहा, बेटा ये मर गया था, जी उठा है। आप जानते हैं, जो व्यक्ति खुदा से बाहर है वो मरा हुआ है, और जब वो खुदा में आ जाए वो जिंदा है। क्यों यीशु ने अपना खून बहाया? ताकि हमने जो पाप किए हैं वो माफ हो सके और हम वापस परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, 2024 वो साल है जब परमेश्वर आपसे आमने सामने मिलेगा। आप हमेशा याद रखिए, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मेरी लास्ट लाइन है, आप हमेशा याद रखना, आप कभी भी पाप के कारण खुदा से दूर नहीं होते। आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तब जब आप अपना पाप नहीं मानते। परमेश्वर के कलाम कहता है मनुष्य है ही पापी, वो पाप में जन्मा है। आदम ने पाप किया फिर भी वो अदन की वाटिका में था। मुझे बताइए, प्रभु पाप होने के बाद भी आके पूछता है, आदम तू कहां है? परमेश्वर को तो उसको मार डालना चाहिए था क्योंकि उसने पाप किया, उसके बाद भी प्रभु उसको मौका देता है, कहता है आदम तू कहां है, तूने फल खाया? परमेश्वर चाहता था वो ईमानदार बने, लेकिन जब आदम ने कहा नहीं, इस औरत ने मुझे फल खिलाया है, तब प्रभु ने कहा निकल यहां से, मेरे घर में पापियों के लिए जगह है, बेईमानों के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपसे कुछ पाप हो जाता है ना, मान लो, मानने के बाद यीशु के लहू को पुकारो, वो आपको माफ कर देगा और आप खुदा की उपस्थिति में बने रहोगे। He really loves you. आपसे प्यार करता है। और मैं आपको सच कहता हूं, आईफोन 15, पबजी, भाइयों लड़कियां, बहनों लड़के, मेकअप, अच्छा खाना आपको खुशी दे सकता है, संतुष्टि नहीं। संतुष्टि सिर्फ परमेश्वर में है। आपको जितना चाहिए ना नशा करना है ना, जब करो थक जाओगे एक दिन। कई सारे लोग टोबैको खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इससे आगे चले जाते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं,
बॉम्बे में तो ऐसे ऐसे नशे करते हैं आपको शायद पता भी ना हो। कुछ नहीं होगा ब्रदर, उसके पास आओ, वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। He will change your life। मैं इस मीटिंग को अंकल हडसन टेलर की एक लाइन बोल के खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर के एक महान जन थे जिनका नाम था हडसन टेलर। वो हमेशा एक बात कहते थे, मैं कभी नहीं भूला। वो कहते थे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जिंदगी वो है जो जिंदगी परमेश्वर के लिए जी गई है। It is the most beautiful life on this earth। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जिंदगी वो है जो जिंदगी खुदा के लिए जी गई है। बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता है आप में से कुछ लोग कठिन समय से गुजरते हो, तकलीफों से गुजरते हो, ऐसी तकलीफें जो बयां नहीं हो सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ प्रभु के साथ जीना सीखो, परमेश्वर आपके हालातों से लड़ेगा। God will fight with your circumstances। क्या आपने देखा जिस संदूक को लेकर पिलिश्तरी के लोग भाग गए थे, जहां जहां संदूक जा रहा था वहां वहां विपत्तियां आ रही थी। वो इतने तंग हो गए, उन्होंने कहा संदूक को लेके जाओ। वो संदूक प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता था। आपको पता है जहां जहां संदूक गया वहां वहां तकलीफ आई, लेकिन जब वही संदूक इसराइल में आया, जिस जिस घर में संदूक गया उस घर में आशीष आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की हुजूरी आपके घर को आशीष देना भी जानती है और आपके विरोधियों से लड़ना भी जानती है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बताने वाला हूं, उड़ीसा अवर किंग इज कमिंग। हमारा राजा बहुत जल्द आने वाला है। अवर जीसस इज कमिंग। आइए, मैं चाहता हूं आज हम सब खड़े हो जाएं और वापस अपनी जिंदगी उस यीशु को दें जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। मैं चाहता हूं ब्रदर एक छोटा सा गीत हम गाएंगे। मैं गा रहा हूं, आप प्लीज मुझे हेल्प करिए। आइए अपनी आंखें को बंद कर लें। ओ प्रभु यहां है, द लॉर्ड इज हियर, जीसस इज हियर, यीशु मसीह हमारे बीच में है। यस, पियानो। अपनी आंखें बंद करिए, अपने हाथों को खुदा की ओर ले जाएं, बात करिए प्रभु से। जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तू बढ़े मैं घटो। तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं तेरा हूँ, ऐ
अपनी आंखों को बंद करें। संदीप सौप्या मां, थैंक यू जीसस। आप में से यहां जितने भी लोग हैं, आज खुदा आपसे कह रहा है, एक बार फिर से आप अपनी जिंदगी उसे दे सकते हैं। गिव योर लाइफ टू गॉड। अगर आप में से कोई भी भाई बहन है जो किसी नशे से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी नशे से मुक्त होना है, स्टेज के इस दाहिने तरफ आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप में से कोई भी भाई है यहां पर, कोई भी बहन है जो शराब, सिगरेट, ड्रग्स, इन गलत चीजों से छुटकारा पाना चाहता है, आप चाहें तो आप अपनी जगह को छोड़कर इस तरफ आ सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शर्माइए मत, मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो बुरी आदतों से बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। शर्माइए मत, अपनी जगह को छोड़िए और इस तरफ आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आपको आजादी मिले। ओ थैंक यू जीसस, इस तरफ आ जाइए। यस सिस्टर्स, कम दिस साइड। अगर आप तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, आप किसी भी गंदे नशे में हैं, अपनी जगह को छोड़िए और यहां आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Worship you, Jesus. Hallelujah. 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 पश्चाताप कर रहा है, पीपल आर रिपेंटिंग एंड टर्न टू गॉड। देखिए परमेश्वर पिता, तेरे लोग पापों से मन फिरा के तेरे पास आ रहे हैं। उड़ीसा एक बेदारी को देख रहा है। हम विश्वास करते हैं खुदावन, तू अपने लोगों को छुड़ा रहा है, तू अपने लोगों को आजाद कर रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय तेरा लहू इन लोगों पर आए, इन्हें छूने, इन्हें स्पर्श कर और सारी आदतें यीशु के नाम से इनसे छूट जाएं, इन्हें आजाद कर खुदा। सेट देम फ्री फ्रॉम टोबैको, फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम ड्रिंकिंग, फ्रॉम एवरी इलीगल रिलेशनशिप, in the name of Jesus. Thank you Jesus. मैं विश्वास करता हूं। आइए मेरे पीछे अपनी प्रार्थना को दोहराइए। हे पिता, परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए,
आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। मैं इस वक्त अपना जीवन आपको देता हूं। मैं घोषणा करता हूं, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है। आप मेरी सहायता करें, अपना जीवन मुझ में जी, यीशु के नाम में। आमीन।